आजादी का 75वां साल चल रहा है। साल 2023 की शुरुआत में समाजवाद की एक बुलंद आवाज शांत हो गई। 75 साल की उम्र में शरद यादव का निधन हो गया। शरद यादव का राजनीतिक जीवन करीब करीब 5 दशक का रहा, लेकिन राजनीति की शुरुआत से लेकर अपने अंतिम समय तक वह सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। इमरजेंसी का दौर रहा हो या उसके बाद वीपी सिंह की सरकार या 1995 से लेकर 99 तक के बदलते राजनीतिक घटनाक्रम, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे हो या उसके बाद यूपीए की सरकार और बाद में पीएम मोदी की सरकार और हाल फिलहाल के वर्षों में हुई राजनीति में, हर ऐसे मौके पर जब जब सामाजिक न्याय की बात होती रही उस पंक्ति में शरद यादव अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जुलाई 1947 को हुआ। पढ़ाई इंजीनियरिंग की करी और आजीवन स्टैंड साइंस की तरफ ही रहा। कॉलेज के दिनों में ही लोहिया और जेपी से प्रभावित हुए और समाजवादी आंदोलनों में कूद पड़े। बहुत कम समय में ऐसी स्थिति आ गई थी कि जनता दल की सियासत में हर महत्वपूर्ण फैसले में जेपी उनकी राय लेने लगे। 27 साल की उम्र में शरद यादव पहली बार साल 1974 में सांसद बने। इसके बाद इमरजेंसी की लड़ाई लड़ते रहे। 1977 में वो दोबारा सांसद चुने गए उसी जबलपुर सीट से, लेकिन शरद यादव कहां हार मारने वाले थे। उन्होंने 1984 में बदायूं से चुनाव लड़ा, फिर उन्हें हार मिली। साल 1979 में जब जनता दल टूटा तो वह चौधरी चरण सिंह के साथ हो लिए। इसके बाद राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़े। 1984 में भी वह बदायूं से चुनाव लड़ चुके थे और दोनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1989 में वह उसी बदायूं सीट से लोकसभा सांसद चुने गए। साल 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी और ऐसा दावा किया जाता है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने में शरद यादव ने प्रेशर पॉलिटिक्स की थी। वीपी सिंह पर लिखी किताब द डिस्ट्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शूक इंडिया में इसका जिक्र है। इसमें कहा गया है कि वीपी सिंह और देवीलाल के बीच जब कड़वाहट आई तो वीपी सिंह ने शरद यादव को कॉल करके देवीलाल को हटाने की बात कर दी। शरद यादव ने मौके का फायदा उठाया और कह दिया कि आप अपनी रैली से पहले मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करेंगे तो हम देवीलाल के साथ अपनी पुरानी दोस्ती ही निभाएंगे। रेस्ट इज हिस्ट्री किताब में यह दावा है कि शरद यादव ने प्रेशर पॉलिटिक्स कर वीपी सिंह से इसे लागू कराया। शरद यादव 7 बार लोकसभा के सांसद और 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे। जेपी मूवमेंट से निकला यह नेता मधुलमय, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश, लालू के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता रहा। बाद में वीपी सिंह की सरकार में और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह मंत्री रहे। लालू यादव के खिलाफ भी खड़े रहे और नीतीश के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने में बड़ी भूमिका भी निभाई और बाद में लालू के साथ भी आए। यूपीए सरकार में कांग्रेस के खिलाफ रहे तो पीएम मोदी की सरकार में कांग्रेस के साथ भी नजर आए। पिछले कुछ सालों से उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी, लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धता बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राजनीति के शुरुआती दिनों में रही। वह तमाम मौकों पर एक मुखर आवाज के रूप में सामने आते रहे और संसद से लेकर सड़क तक अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराते रहे। समाजवादी आंदोलन से निकला यह नेता अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई में उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भागीदारी हमेशा हमारे साथ रहेगी।